हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम बात करेंगे एपेक्स लेजेंड्स में मूवमेंट्स के बारे में। सो इस गेम में मूवमेंट्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और अगर मैं इम्पॉर्टेंट रोल की बात करूँ तो इसमें एक फाइट आप हार सकते हो, जीत सकते हो, पूरा गेम जीत सकते हो या हार सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर मूवमेंट्स। तो इसमें मूवमेंट्स किस हिसाब से होती हैं, जैसे कि अगर मैं पबजी से कंपेयर करूँ इस गेम को, तो पबजी में तीन तरह की चीज़ें होती हैं। या तो आप खड़े रहते हो, या तो आप क्राउच करते हो, या तो आप प्रोन होते हो। ठीक है, प्रोनिंग जिसको हम लोग कहते हैं एक सांप बन जाना, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग इन पबजी। एपेक्स में ऐसा क्या है, दे रिमूव द प्रोन सिस्टम, उन्होंने प्रोनिंग वाली चीज़ हटा दी है एंड उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है स्लाइडिंग। ठीक है, आई थिंक कॉल ऑफ ड्यूटी में भी सेम चीज़ है और कॉल ऑफ ड्यूटी से ही इम्प्लीमेंट करके और इम्प्रूव करके दे इंट्रोड्यूस द स्लाइडिंग फीचर। तो इस स्लाइडिंग को आप बहुत अलग अलग तरीकों से भी यूज़ कर सकते हो, लाइक यू कैन स्लाइड नॉर्मली, यू कैन जंप स्लाइड, ओके, एंड देन देयर कम्स लाइक जैसे कि एक क्लिफ है, सो इफ यू स्लाइड टुवर्ड्स दैट क्लिफ देन यू कैन जंप एट द एंड ऑफ द क्लिफ और उसके बाद यू कैन टेक द रोप एंड यू कैन गो टू द टॉप और यू कैन गो डाउन। सो जो मैप का टेरेन है ना इसमें, इट्स सो गुड कि दे आर सो मैनी रोप्स, जो कि रोप्स होती हैं एक पहाड़ से एक नीचे प्लेटो की तरफ ले जाती हैं, या तो इट गोज़ फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द मैप टू अनदर। और इसमें अलग अलग हीरोज़ भी हैं जिनकी अलग अलग पावर्स हैं, मूवमेंट्स हैं, जिनकी अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं मूवमेंट्स में। देर इज़ सो मच इन दिस गेम विच इज़ स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। जैसे कि अभी मैं कुछ बताऊँ आप लोग को, तो एक वीडियो मैंने देखी थी जस्ट टू डेज बैक कि पाथफाइंडर कैन ग्रैपल पीपल ऑन इट्स ओन, लाइक पाथफाइंडर से आप एनिमीज को ग्रैपल कर सकते हो अपनी तरफ। तो पाथफाइंडर इज अ वेरी वेरी व्हाट डू यू से, बहुत एक अच्छा हीरो है जिसमें मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं व्हेन यू आर आउटसाइड द जोन, व्हेन यू आर गोइंग टू अ फाइट, व्हेन यू आर नॉट इन अ फाइट बट यू हैव टू बी टू अनदर प्लेस टू लूट और समथिंग लाइक दैट। तो वेरी वेरी रिफाइंड मूवमेंट्स आर इन दिस गेम। और इस गेम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बता रहा था कि रोप्स के बारे में, रोप से हटके एक बलून है इसमें, ठीक है, यू कैन टेक द बलून्स, देयर आर सो मेनी बलून्स इनसाइड द मैप कि हर एक 100 टू 200 मीटर्स पे देयर इज अ बलून। ओके, सो बलून में क्या होता है, यू हैव टू जस्ट गो अप एंड वो बलून लेके आप दूसरे मैप से, मैप के एक तरफ से दूसरे तरफ जा सकते हो एंड दैट इज वेरी बेनिफिशियल टू गो इनसाइड द जोन और जस्ट टू रन अवे फ्रॉम अ फाइट अगर आपको फाइट नहीं लेनी है। और अगर आपको फाइट लेनी है तब भी आप वो बलून्स का यूज करके देन यू कैन गो। सो मूवमेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था जैसे कि मैं बता रहा था। एंड मूवमेंट्स में एक चीज़ आती है क्लाइंबिंग। सो क्लाइंबिंग इस गेम में इज सो स्मूथ कि आप कोई भी टेरेन अगर हो, लाइक देयर इज अ प्लेस इन द मैप कॉल्ड कैस्केड, ओके, सो देयर आर सो मेनी रफ टेरेन्स, वहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा रफ एजेस और टेरेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, छोटी छोटी हिल्स हैं, यू कैन क्लाइंब देयर by pressing the space or jump button, long pressing the jump button and then you can reach to n number of places in no time. मतलब अगर आप पहाड़ के नीचे भी हो and you see your guys, your people fighting and teammates fighting, you can reach them, reach to the fight in no time. ठीक है, there is very less time needed and the thing is there's ropes in this game. You can take the ropes, you can climb and you can slide down the hill. Instead of running, you can slide down the hill a lot faster than you can go running without having weapons in your hand. And it's so smooth, it's so fast that I do it all the time and I win all the fights just because of the movements. And the main thing in this game is there's no fall damage. फॉल डैमेज इस गेम में जीरो है।
So you can jump from a cliff, you can jump from a mountain, you can just go outside the map and just come back jumping inside and you will not take any damage. कोई भी damage आपको नहीं पड़ेगा और आपको मरने की tension ही नहीं है कि इतनी height से कूद गए. And बहुत ही ज़्यादा smooth game player. So that's what I love about Apex Legends. जैसे कि मैं बात कर रहा था heroes की, legends की. सो यहाँ पर बहुत सारे लेजेंड्स हैं जिनकी अलग अलग एबिलिटीज़ हैं, अलग अलग मूवमेंट स्पीड है और बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में आपको भी नहीं पता होगा और कुछ तो फीचर्स ऐसे हैं जो हमें भी अभी तक नहीं पता है. तो इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग फ्यूचर वीडियोस में. एक एग्जांपल देता हूँ रेत की. तो रेत की जो मूवमेंट स्पीड है वो स्पीड तो हर लेजेंड की सेम है, बट द एनिमेशन जिस हिसाब से वो मूव करती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और लाइफलाइन जिस हिसाब से मूव करती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. एंड जिब्राल्टर जो कि इस गेम का व्हाट डू यू से, आप जब खेलोगे आपको लगेगा बहुत स्लो है बट एक्चुअल में स्पीड इज़ द सेम. सब कुछ डिफरेंट है, एनिमेशंस आर लॉट डिफरेंट एंड उससे मूवमेंट्स बहुत इफेक्ट होती हैं एंड हर हीरो की जो एबिलिटीज़ होती हैं उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है. तो इन सब के बारे में हम लोग आगे के एपिसोड्स में बात करेंगे एंड वी विल सी यू देन.